सरकार का अभी जो बजट आया है वह बहुत ही अच्छा है। आशा करती हूँ कि महिलाओं के लिए, जैसे महिलाओं का जो काम रहता है घरेलू दैनिक दिनचर्या, उसमें राशन का हो गया, LPG गैस हो गया, और कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो महिलाएं करने को सोचती है, कुछ सपने भी होते हैं जैसे ये खरीद लूँ वो खरीद लूँ, तो ज़्यादा महंगाई के कारण, उनके पास बजट ना होने के कारण वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाते। तो आशा करती हूँ कि बजट में, मतलब हमको सोचते हुए कि अभी चुनाव के बाद लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बनी है, तो इस सरकार से हमें बहुत सारी उम्मीदें थी। अभी महिलाओं के लिए जो 3.5 लाख करोड़ का जो बजट है, हमें लगा था कि कुछ चीज़ें कम होंगी, महंगाई कम होगी, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट हुआ कि महंगाई बढ़ गई। महिलाओं के लिए कुछ नई नई योजनाएं आएंगी, जो कि अभी समानता का चल रहा है महिलाओं के लिए, तो हमें लगा था कि महिलाएं भी कुछ अलग क्षेत्र में कुछ नया करेंगी, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसी कोई योजना हमें दिखाई नहीं दे रही। हमें आगे उम्मीद है कि सरकार इस क्षेत्र पे कुछ कार्य करें। 3.5 लाख करोड़ बजट सिर्फ महिलाओं के लिए है, तो हम इस क्षेत्र में भी सरकार के बहुत सराहना करते हैं। बहुत सारे ऐसे बजट, बहुत अच्छा बजट आया है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि कुछ घरेलू चीज़ जैसे गैस सिलेंडर या कुछ और घरेलू चीज़ों से जो रिलेटेड है वो कम हो। तो हम यही सरकार से बोलेंगे कि जो बजट आया बहुत अच्छा आया है, और कुछ हो सकता है तो कुछ कम कीजिए, क्योंकि घरेलू जैसे कि दाल सब्जी आटा ये सभी का जो प्राइस है बहुत ज़्यादा हो गया है, और गैस सिलेंडर का भी दाम अभी बढ़ गया है। पहले बोले कि कम होगा, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो थोड़ा सरकार से हम निवेदन है कि कुछ कम करें, और हमको भी अच्छा लगे कि कम होगा तो हम कुछ और चीज़ों से और चीज़ों को अच्छा बेहतरीन कर सकें।